हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं कर रही हूँ एक और व्लॉग स्टार्ट। तो अभी मैं जा रही हूँ, आज संडे है वैसे तो, कल मुझे वैक्सीनेशन का हो गया। आई थिंक आज सेकेंड डे है, तो आज मुझे काफ़ी बेटर लग रहा है। मतलब बहुत ऐसे पेन या ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, मतलब नॉर्मल लग रहा है। हाथ अभी भी दुख रहा है मेरा जिसमें लगा है, बट फीवरिश और जो हेडेक हो रहा था मुझे कल, वो सब नहीं हो रहा है। अभी मैं जा रही हूँ, टीनू गई है अमृतसर। तो अभी हम लोगों के यहाँ पे तो सबके यहाँ पर फास्ट होता है, और मेरे पापा का फास्ट होता है, तो मेरी मम्मी के लिए खाना बनता है, वो आंटी बनाती हैं, तो मेरे लिए भी वहीं पे बन जाता है खाना। तो अभी मैं वहीं पे दिन में मेरा खाना या तो आ जाता है, जैसे कल आ गया था। कल मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी जाने की, तो विक्की ले आया था, और अभी आज हम जा रहे हैं तो मम्मी पापा से मिल भी लेंगे। एंड उसके बाद फिर मुझे जाना है एक शॉप पे, उसके बाद मुझे जाना है डीबी मॉल, कुछ काम है, कुछ रिटर्न करना है। एंड आई एम रियली सॉरी बिकॉज यहाँ सामने से वो निकल रहे हैं, सब्जी वाले भैया निकल रहे हैं, तो सब्जी एंड फ्रूट्स वाले वेट। मैंने बताया ना, यहाँ मेन मतलब दिस इज नॉट अ पैक्ड सोसाइटी, तो ओपन से यहाँ दिन भर ये सब निकलता रहता है, बट कोई नहीं, चलते हैं आज का दिन और व्लॉग स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। हे गाइस, तो अभी खाना वाना सब हो गया है मेरा, और हम लोग वहाँ पर काफ़ी देर बैठे भी थे, मम्मी के यहाँ बैठ भी लिए, और अभी हम लोग जा रहे हैं अगेन वही, थोड़ा सा कुछ विक्की को कुछ सामान लेना है, मुझे भी एक दो सामान लेना है। और दूसरी चीज़, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रही है तो कन्याओं को खाना खिलाते हैं, तो लास्ट ईयर भी हमने यही किया था कि हमने जो मतलब थोड़ा स्लम एरिया होता है वहाँ पे बच्चों को हम लोग खाना बंटवा देते हैं, मतलब खिलवा देते हैं, ताकि वो लोग खाते भी अच्छे से हैं। तो मैं क्या करने वाली हूँ, एक तो मेरी मम्मी क्या, हमारे यहाँ जो मम्मी क्या पे कुक लगी हुई है आंटी, वो जो उनकी ना नातिन, मतलब उनकी बेटी की बेटी है, छोटी सी है वो, काफ़ी 4 साल की है, तो उसके लिए एक मुझे मम्मी ने बोला ड्रेस लेकर के आ जाना, उसको स्पेसिफिकली रेड कलर की चाहिए, तो उसके लिए मेरे को ड्रेस लेना है। एक मुझे गिफ्ट लेना है मेरी जो फ्रेंड है शिल्पा, उसकी बेटी के लिए, और एक और गिफ्ट लूंगी मैं, मेरी एक और फ्रेंड है करिश्मा, उसकी बेटी के लिए। तो जिन जिन की लड़कियां हैं उन लोगों के लिए मैं वो गिफ्ट ले रही हूँ, तो वही देखने भी जा रही हूँ, तो वो अभी ले भी लूंगी मैं नवरात्रि में उन लोगों को। अब देखो आती है वो नहीं आती है, बट टीका वीका करने के लिए तो हो ही जाएगा वैसा। तो हम लोगों का सारा काम हो गया है, एक तो और छोटी मोटी चीजें लेनी है, तो वो जो हमारे घर के आसपास वाली शॉप से वहां से ले लेंगे। तो एक्चुअली इतना ज्यादा रश था आज संडे को, और सब लोग मतलब भोपाल का कैसा कल्चर है, अभी क्या हो गया ना, मैं आधी हो चुकी हूँ भोपाली और मैं आधी हो चुकी हूँ मुंबई, मतलब मुझे 50% मैं मुंबई की हूँ और 50% मैं भोपाल की हूँ। तो मैं ना भोपाल की बुराई सुन सकती हूँ, ना मैं मुंबई की बुराई सुन सकती हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ अभी दोनों के लिए। नहीं हाँ, तो जो पॉइंट भोपाल के नेगेटिव है वो भोपाल की भाई नेगेटिव है, उसमें बिंदास बोलती हूँ, और जो मुंबई के नेगेटिव है वो मुंबई के नेगेटिव है ऐसा। लेकिन मुझे पसंद दोनों जगह, दोनों के कल्चर में मुझे कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, और कुछ चीज़ें तो सब चीज़ों में कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो आपको नहीं पसंद आती है। तो तभी यहाँ का कल्चर ऐसा है कि लोग यहाँ बहुत वेल ड्रेस्ड होकर के इवन शॉपिंग भी करने आएंगे ना, मतलब शॉपिंग नहीं भी करने आएंगे ना, तो भी अगर मॉल जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, तो बहुत वेल ड्रेस्ड होकर जाते हैं। मेरे पापा को अगर सब्जी लेने भी जाना होता है, तो वो प्रॉपर पैंट शर्ट शूज पहन के जाते हैं, ठीक है। इवन मेरे फादर इन लॉ भी शर्ट पहन के रहते हैं घर में, दिन भर शर्ट पहन के रहेंगे, रात में उनका चेंज होता है ऐसा, कि मतलब आप वेल ड्रेस्ड वाला कल्चर है कि वेल ड्रेस्ड होके रहते हैं। और हम लोग चड्डा पहना, लोअर पहना, टी शर्ट पहना, मतलब लोअर टी शर्ट में हम लोग ऐसी ऐसी जगह जा करके शॉपिंग करके आ जाते हैं। और कितनी बार तो ऐसा होता है जब आप किसी शॉप में जाते हो, तो लोग आपको थोड़ा सा 1% की ऑब्वियसली कपड़ों से जज तो करते हैं कि अरे ये ऐसी चप्पल अप्पल पहन के आए, भाई ये खरीदने भी आए कि मजाक करने के लिए आए। तो तीनों हम लोग तो लिटरली सारी शॉपिंग ऐसे ही मतलब हवा में कर ली है, सब हजारों लाखों की शॉपिंग हवा में करी है हम लोगों ने, कि ऐसे ही चले गए। और एक्चुअली मैं आपको जब शॉपिंग करनी होती है ना, एक्चुअल जब आप शॉपिंग करने जाते हो तगड़ी वाली, तो यू नीड कम्फर्टेबल ड्रेसेस। तो अब मेरे को कैसा हो गया बाहर रह रहे करके, मतलब जब मैं मुंबई गई थी ना, और मैं इन लोगों के साथ घूमने जाती थी, टीम लोगों के साथ, तीनों के फ्रेंड सर के साथ, तो ये लोग सब तब ऐसे ही रहती थी, बिल्कुल स्लीपर्स डाले, लोअर डाला, और बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, और मैं प्रॉपर रेड लिपस्टिक और ड्रेस पहन रहे हैं, अच्छी अच्छे कपड़े पहन करके जा रहे हैं। तो अब मेरी आदत भी वैसी हो गई है, क्योंकि मैं वहाँ इतने टाइम से रहती थी, लेकिन अब मुझे ये ऐसे ही अच्छा लगता है, मतलब आई लाइक टू गो लाइक दिस ओनली, कि ठीक है क्या है, कौन क्या सोचेगा, सोचने दो वैसा वाला। इसका बस चले तो ये ऑफिस भी ऐसे ही चला जाए, है ना, इतने कंफर्ट लवर्स हो चुके हैं अब हम लोग, और कोविड ने तो कर दिया एग्जैक्टली। तो बस अब हम घर ही पहुंचने वाले हैं, एक और सामान लेना है, फिर पहले मेरे घर जाएंगे वो सामान देने के लिए, फिर घर पहुंचते हैं। ओके गाइस, आई एम बैक फ्रॉम
जो मेरे को शॉपिंग करना था थोड़ा बहुत वो वहां से। तो मेरे पास एक रिंग थी जो कि मैंने आई थिंक 2 साल पहले ली थी। हाँ 2 साल पहले ली थी। विदिन 3-4 मंथ्स में वो रिंग टेढ़ी हो गई थी। आप समझ रहे हो, वो रिंग पूरी पूरी टेढ़ी हो गई थी। जब मैंने उनके शॉप पे जाकर के पूछा कि ये टेढ़ी क्यों हो गई, तो लिटरली उनका ये आंसर था, आपने जरूर कोई हैवी सामान उठा लिया होगा। एंड उसका जो वेट था दैट इज 1.9 समथिंग, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 ग्राम्स की थी वो। तो 2 ग्राम कोई बहुत कम नहीं होता है, ठीक है। तो मुझे ये एक्सक्यूज दे रहे थे, आपने जरूर कुछ हैवी सामान उठा लिया होगा। फिर मैंने उनको इसका एग्जाम्पल दिया, इसको पहन करके मैं हथौड़े फतौड़े और पता नहीं कितने भगवान जाने क्या क्या DIY मैं कर जाती हूँ इसके साथ। इसमें आज तक कुछ नहीं हुआ, 4-4.5 साल से पहन रही हूँ और उसको 3 मंथ्स में ऐसा हो गया। फिर उनका यही था कि आप कभी भी इसको एक्सचेंज या रिटर्न कर सकते हो। तो मैंने सोचा कि मैं रिटर्न कर देती हूँ, रिटर्न करके आई गॉट दिस वन। तो बस यही मैं करने के लिए गई थी। उसके साथ ही साथ मैंने अमेज़न से कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, थोड़ी सी ब्यूटी रिलेटेड। तो मैंने मंगवाया है कामा आयुर्वेदा का सुवर्णा हल्दी चंदन ब्राइटनिंग पैक। आई थिंक 3-4 मंथ्स पहले भी मैंने अपना शेयर किया था कि मैंने एक मंगवाया था। तो ये क्या हुआ ना, अभी जब हम लोगों ने शिफ्टिंग किया तो आई थिंक मैंने इसमें गलती क्या कर दी थी। मैंने ना इसके, ये पॉलीथिन के अंदर आता है, मैंने उस पॉलीथिन में से निकाल करके इसको डायरेक्टली इसके अंदर डाल दिया था। तो आई थिंक ये स्टील से मॉइस्चर लग के रिएक्ट कर गया या क्या कर गया है, ये पूरा ब्लैक हो गया है और इसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। तो उसको ऑब्वियसली मैं फेंक दूंगी। और मैंने नया मंगवाया है, और इस बार जब मैंने मंगवाया तो मैंने इसको बिल्कुल भी पैकेट में से निकाला नहीं, वो इसी पैकेट में है, मैं इसी में से यूज़ करती हूँ, क्योंकि इट माइट पॉसिबल कि मॉइस्चर लग गए और वो जो है स्टील से रिएक्ट कर गया है, इसलिए वो ऐसा हो गया है। दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोडक्ट, आई रियली लव्ड इट। मतलब मैं ये लगाती ही लगाती हूँ अपने फेस पे, तो ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है। उसके बाद जो सेकेंड प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है, एक्चुअली आई थिंक मैंने काफ़ी बार अपने वीडियोज़ में बताया भी है कि मेरी जो स्किन का टेक्स्चर है वो पहले बहुत ज़्यादा ऑयली हुआ करता था, और अब मेरे स्किन से ऑयल जा चुका है। मतलब जितनी देर में अभी बैठी हुई हूँ, इतनी देर में तो मेरे स्किन पे ऑयल की भरमार हो जानी चाहिए थी, बट अब मेरी स्किन पे बिल्कुल भी ऑयल नहीं रहता है। एंड आई रियली वांट थोड़ा जो मैं, और कहीं ना कहीं बताया, मैं अपने जो ऑयलीनेस है मेरे स्किन का, वो मैं मिस करती हूँ। जब तक मेरी स्किन ऑयली थी तब तक मुझे मजाल है कि 1% भी डार्क सर्कल्स होते होंगे। आप मेरे पुराने वीडियोज जाके देखना, मुझे बिल्कुल डार्क सर्कल्स नहीं थे, डार्कनेस नहीं था आंखों के अराउंड। अभी भी सर्कल्स बहुत नहीं है मुझे, बट है, हो गए हैं। और जब से मेरी स्किन का जो ऑयली है, हो सकता है मैं सिर्फ ऐसा सोच रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है जिस दिन से मेरी स्किन ऑयली होना बंद हो गई है, थोड़ा वापस से कॉम्बिनेशन या नॉर्मल फॉर्म में हो रही है, ड्राई फॉर्म में हो रही है, मेरे को डार्क सर्कल्स होने लगे। ऐसा ये थ्योरी मैंने एक अपनी वो करी, तो आई डोंट नो ऐसा है कि नहीं है, बट हाँ मुझे थोड़ा अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम चाहिए थी, तो मेरी स्किन पे थोड़ा और ग्लो प्रोवाइड करे। तो उसके लिए ना मैंने ये मंगवाया है। मैं बॉडी शॉप के स्टोर पे गई थी, वहाँ पर बकायदा मैंने पूछा कि मेरे स्किन पे क्या जाना चाहिए, ये वो टेक्स्चर वेक्स्चर सब ट्राई करें। उन्होंने मुझे रेकमेंड किया बॉडी शॉप का विटामिन सी, तो मैंने सोचा मैं अमेजन से मंगवा लेती हूँ। तो मैंने मंगवाया है ये विटामिन सी ग्लो बूस्टिंग मॉइस्चराइजर। सो ये मैंने मंगवाया है, मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ, आई थिंक पिछले 7 डेज से यूज़ कर रही हूँ ऑलरेडी, 7 डेज से। तो एज सच अभी आप पूछो कुछ डिफरेंस लगा, तो ऑब्वियसली मुझे कुछ भी डिफरेंस नहीं लगा मेरी स्किन पे, मतलब जैसी थी वैसी ही लग रही है। तो कोई भी चीज़ आप 3-4 मंथ्स यूज़ करते हो, और ये बॉडी शॉप और एसेंशियल इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं थोड़े जो हाई रेंज वाले होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स वर्क करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स नहीं वर्क करते हैं। तो आई डोंट नो ये वर्क करने वाला है भी कि नहीं करने वाला है, वो मैं आपको आगे अपडेट कर दूंगी अपने किसी ब्लॉग में। डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा तो मैं अपडेट करूंगी, बट अभी 7 दिन में मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा। एक नॉर्मल मॉइस्चराइजर की तरह मेरा फेस लगा है, कि एक मैं नॉर्मल मॉइस्चराइजर भी लगाती तब भी उतना ही ग्लो देता है जितना ये दे रहा है, कुछ अलग से नहीं किया इसने। तो मैं आपको और अच्छा अपडेट जो है वो मैं थोड़े दिन में दूंगी एग्जैक्टली कि ये कर क्या रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है द ड्रॉप्स ऑफ यूथ का स्लीपी बाउंसी मास्क। आई थिंक ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि दिस इज द गेम चेंजर प्रोडक्ट ऑफ माई स्किन केयर रूटीन। मतलब लास्ट 2.5 ईयर्स से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अमेजिंग प्रोडक्ट, डेफिनेटली काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, बट इट वर्क्ड फॉर माई स्किन। मतलब मेरे स्किन पे ये काम करता है, तो इसलिए मैं इसको लेती भी हूँ, इसमें इन्वेस्ट करती हूँ। तो अब मैं इसकी एक और चीज़ बताती हूँ। पहले ये जो प्रोडक्ट है ये आता था 2195 का, मतलब 2200 रुपये मान के चलो, जिसमें आती थी 90 ml की क्वान्टिटी आती थी। अब ये जो प्रोडक्ट है ये आता है 75 ml की क्वांटिटी, और ये आने लग गया है 2595, मतलब 2600 रुपये का आ गया। 400 रुपये इन्होंने प्राइस बढ़ा दिया और 90 से 75 ml पे आ गए। तो भाई बॉडी शॉप, मुझे आपसे पूछना है ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग, क्यों? सो मैंने चेक नहीं किया था, मतलब मैंने जब ये ऑनलाइन मंगवा रही थी तो मुझे लगा हाँ ठीक है 90 ml का ही होगा यार, मतलब कितना ही होगा, मतलब प्राइस बढ़ा दिया तो शायद 90 से उतना 100 कर दिया होगा, पैकेजिंग चेंज कर दी होगी, बट अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही ज़्यादा महंगा झटका पड़ा है। तो मुझे ये प्रोडक्ट डेफिनेटली बहुत पसंद है। हाँ ये बहुत एक्सपेंसिव है, देखो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैं मना नहीं करूँगी। आई थिंक 4-5 मंथ्स आराम से चलता है पे। तो अब मैंने मंगवाई है कुछ टी शर्ट्स। तो सबसे पहले आते हैं इस टी शर्ट पे, दिस इज़ फॉर मी, एडिडास की टी शर्ट मंगवाई है मैंने घर में पहनने के लिए। तो ये जो मैं पहनी हुई हूँ, इसका फैब्रिक और ये जो फैब्रिक है ना, बहुत डिफरेंस है।
बहुत ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट एंड बहुत ही यू नो एरी टाइप का फैब्रिक है. आप रात में सोने होने के लिए इसको यूज कर सकते हो, आप दिन भर घर में पहनने के लिए इसको यूज कर सकते हो, इनफैक्ट कहीं जा रहे हो तो भी आप इसको यूज कर सकते हो. सो आई रियली लाइक इट. ये है मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट. उसके बाद जो सेकंड प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है वो मंगवाई है मैंने 3 टी शर्ट्स विक्की के लिए, जिसमें से एक मैं पहनने वाली हूँ. मुझे लूज टी शर्ट्स पहनना पसंद है, तो या तो मैं उसकी कोई पुरानी टी शर्ट होगी वो ले लूंगी, और या फिर इनमें से वॉश हो जाएंगी जब ये 2-3 बार, तो इनमें से कोई एक मैं लेने वाली हूँ. क्योंकि रात में सोने के लिए मुझे एकदम ढीले कपड़े चाहिए होते हैं. तो ये फर्स्ट जो मैंने मंगवाई है इस दिस लेवाइस की रेड कलर की टी शर्ट मंगवाई है. दिस इज इन द साइज एल, एल साइज मैंने मंगवाया है उसको भी, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है ही ऑल्सो वॉन्ट्स यू नो थोड़े लूज कपड़े होने चाहिए, हवा आनी चाहिए, ऐसे टाइप के कपड़े उसको भी पहनना पसंद है. तो ये है फर्स्ट टी शर्ट, काफ़ी प्यारी सी लग रही है. लुक एट दिस, कलर कॉम्बिनेशन इज रियली गुड. कलर ऐसा चटकता हुआ रेड नहीं है, चटक रेड एंड मरून मिक्स टाइप का कलर है. उसके बाद जो नेक्स्ट टी शर्ट मैंने मंगवाई है वो मंगवाई है ये डार्क ग्रे कलर का. तो अगेन दिस इज इन दी एल साइज, तो या तो ये मैं रखूंगी क्योंकि इसका फैब्रिक बहुत ज्यादा अच्छा है, फैब्रिक इसका टच एंड फील बहुत अच्छा है इस फैब्रिक का, एंड ग्रे कलर की है. और उसके बाद जो मैंने मंगवाई है वो मंगवाई है ये ग्रीन कलर की. ही इज नॉट राइट नाउ प्रेजेंट हेयर, उसको पता भी नहीं कि मैंने मंगवाई है. सेम काम मैं करने वाली हूँ, इनका ये निकालूंगी और वापस से उसकी जगह पे रख दूंगी. बिकॉज उसको जब पूछोगे कोई सी टी शर्ट, वैसे वो बोलता रहता है मुझे टी शर्ट लेना है, टी शर्ट लेना है, टी शर्ट लेना है. जब मैं पूछती हूँ कि कौन सी चाहिए, कुछ स्पेसिफिक है, तो हिज आंसर इज नो, मुझे नहीं पता क्या लेना है. तो इसके लिए मैं अपने हिसाब से मंगवा लेती हूँ, और वो पहनेगा तो पहनेगा, अदरवाइज मैं पहन डालूंगी. तो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे मुझे मिल गई थी, आई थिंक 700-600 में ही मिल गई थी ये सारी टी शर्ट्स. तो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट. सारे प्रोडक्ट्स की जो लिंक्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, चेक जरूर करिएगा. तो सब कुछ मैं एकदम फटाफट से, ये इसकी वार्डरोब है तो फटाक से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रही हूँ जल्दी से वो आए उससे पहले. ओके गाइस, अभी मेरे पास कुछ और भी सामान आया है. ये आया है मुझे इंडस वैली की तरफ से, तो लेट्स ओपन इट. विक्की को भी पसंद आया और मुझे भी काफी पसंद आया, बिकॉज हमारे पास कास्ट आयरन का स्टॉक ही नहीं था. मतलब सिर्फ एक पैन था मेरे पास कास्ट आयरन का, और एक नॉर्मल आयरन का कढ़ाई थी. लोगों के पास स्टील के, स्टील हमारे पास स्टॉक बहुत अच्छा है मतलब, बट कास्ट आयरन का स्टॉक नहीं था. सो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि क्या क्या चीजें मेरे पास आई हैं, एंड आई एम इम्प्रेस्ड विद द क्वालिटी. सबसे पहले हम छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, नहीं इससे स्टार्ट करते हैं छोटू से, फिर हम आएंगे लास्ट में जो इन सब का बाप है. सो सबसे पहले जो चीज़ आई है वो आई है ये तड़का पैन. अगर आप, आई एम श्योर काफ़ी सारे लोग वैसा वाला तड़का पैन यूज़ कर रहे होंगे जो नॉन स्टिक वाला होता है, तो आप ये आयरन का तड़का पैन एज अ तड़का पैन यूज़ कर सकते हैं. इट्स वेरी हैंडी, वेरी क्यूट, और बहुत सारी चीज़ें इसमें आप दाल बघार सकते हो, छोटा मोटा यू नो बघार लगा सकते हो किसी भी चीज़ को, फ्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा लग रहा है ये. तो ये है मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट, ये कढ़ाई. दिस इज़ अ कास्ट आयरन कढ़ाई, और अगेन आई रियली लव्ड इट, मतलब बहुत अच्छी लग रही है. आप देखो कि इसकी डेप्थ कितनी बढ़िया है. और ये मेरे पास सारी कढ़ाइयाँ ना फ्लैट बेस की थी, दिस इज़ द फर्स्ट कढ़ाई जो आई है एकदम ये इस तरीके की कोनिकल वाले शेप में आई है. तो मुझे चाहिए ही थी जैसे फ्राइंग व्राइंग के लिए. स्टील की कढ़ाइयाँ कोनिकल शेप्स में नहीं आती हैं, सब फ्लैट बेस और इंडक्शन फ्रेंडली होती हैं, तो पूरी तलने के लिए बहुत अच्छी होती है ये. तो स्पेशली मैंने ये इसलिए, मैंने जैसे ही इसको देखा आई वॉज लाइक कि पूरी को फ्राई करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट वन. कुछ भी चीज़ यू नो डीप फ्राई वगैरह करनी है, भजिए भजिए वगैरह बनाने हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट रहने वाली है. तो ये है नेक्स्ट कढ़ाई. उसके बाद जो तीसरी चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी जो हमारे पास नहीं है अब तक, वो है ये अप्पे मेकर. भाई साहब ये इतना हैवी है, मतलब कि मैं आपको क्या बताऊँ, दिस इज़ वेरी वेरी हैवी और बहुत अच्छी क्वालिटी का है. हमारे पास हम कभी अप्पे अपने बनाए भी नहीं आए गैस है ना, हमने कभी अप्पे वगैरह नहीं बनाए, बट हम ट्राई करेंगे. तो ये है नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, सी दिस. उसके बाद ये एक कढ़ाई है, अगेन आयरन की कढ़ाई है ये, और यहाँ पर स्टील के ऐसे हैंडल्स दिए हुए हैं. तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब नॉर्मल सब्जी वगैरह बघारने के लिए इट्स वेरी वेरी गुड. और आपको पता ही है कि आयरन में खाना खाने से आपकी बॉडी में भी आयरन जाता है, तो आपको कास्ट आयरन में खाना टेक्निकली बनाना चाहिए, आप काफ़ी हेल्दी रहते हो उसमें, हेल्दी वे ऑफ कुकिंग है ये. तो ये है मेरी नेक्स्ट कढ़ाई, ये भी मुझे बहुत पसंद आई है, इस तरह का फ्राइंग वाला जो पैन है वो. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे सारे प्रोडक्ट्स. आई एम वेरी इंप्रेस्ड द वे दे पैक्ड, मतलब जिस तरह से पैक होकर के वो आए हैं. तो ये है नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा.
मतलब विक्की इसको देखते से ही बोला कि इसको वो ले लेगा कुछ भी बनाने वगैरह के लिए, मैगी वैगी बनाने के लिए. इट्स वेरी गुड, इट्स रियली गुड. हाँ, इट्स रियली रियली गुड. तो ये है नेक्स्ट प्रोडक्ट. उसके बाद आते हैं इस पे, तो आप इसमें डोसा बना सकते हो. अगेन ये आयरन का है, डोसा तवा है ये, आप रोटी भी बना सकते हो. मतलब हम लोग जो आयरन का चपाती पैन यूज करते हैं ना, उससे ये वे हैवियर है. मतलब क्वालिटी की मैं बात करूँ तो हम लोग लोकल वाला लेकर के आते हैं आयरन का, बट ये काफी अच्छी क्वालिटी में, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी में. हैंडल वगैरह हैवी है, स्टिल हैवी नहीं है. आप समझ रहे हो, आयरन इसका हैवी है बट स्टिल जब मैं इसको कैरी कर रही हूँ तो इट्स नॉट दैट हैवी. उसके बाद ये प्रोडक्ट, बाप रे, द हैवीएस्ट, मतलब इन सब में सबसे ज़्यादा कोई हैवी प्रोडक्ट है तो वो ये है. बाप रे, ये है ग्रिल पैन. तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. आई एम श्योर मेरे से ज़्यादा अच्छे कुक आप लोग होंगे. तो आप इसमें ब्रेड बना सकते हो. वैसे मैं ग्रिल पैन में सिर्फ ब्रेड ही बनाती हूँ, और कुछ नहीं बनाते अपन. ब्रेड के अलावा पनीर वनीर कभी करना हुआ तो ग्रिल कर लिया, अदरवाइज हम लोग ब्रेड ही बनाते हैं. तो आप ब्रेड बना सकते हो. नॉन वेज अगर आप खाते हो तो आप नॉन वेज के लिए यूज़ कर सकते हो. बहुत सारी चीज़ें आप इसमें बना सकते हो. एंड ये है नेक्स्ट, एंड दिस इज द हैवीएस्ट. मतलब इन सब में ये हैवी है, मैं एक हाथ से नहीं इसको कैरी कर सकती हूँ. प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से पैक होकर के आए थे. अभी तो एक्चुअली मैं नीचे कुकिंग कर नहीं रही हूँ, तो मैं एक्सपेरिमेंट करके जब भी बताऊंगी, जब भी मैं इनको यूज़ करूंगी तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगी कि क्वालिटी कैसी थी और मुझे कैसे लगे हैं. सो यस, अभी बस यही था. तो सारे इन प्रोडक्ट्स की भी लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. फिर एनी केस आपको इनमें से कोई प्रोडक्ट लेना हो तो. अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी विक्की के कज़िन आई थी, वो यहीं पर रहती हैं. वो उन्हीं की शादी में हम दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे. यस, हाँ, स्वीटी यही थी ना, वो स्वीटी थी जो कजिन आई थी, उन्हीं की शादी में हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे. और जिस शादी हॉल में हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, उसी शादी वाले जो वेन्यू है, उसी शादी वेन्यू में हमारी शादी हुई थी. इमेजिन डेस्टिनी, शादी वेन्यू में टीनू की भी शादी हो रही है. बता रही हूँ कि हमारा, आप सोचो कि हम मिले वहीं थे और वही हमारी शादी हुई, और टीनू के लिए भी हम लोगों ने वही बुक किया फाइनली. बहुत ही लोग पूरे भोपाल के वेन्यूज में, क्योंकि एक्चुअली शादी होने के 2 महीने पहले अपन को डेट पता चली ना, 2 months पहले डेट पता चली है, जिसमें से ऑलमोस्ट सारे हॉल्स बुक हो चुके थे, सारे होटल्स बुक हो चुके थे. तो पता नहीं कैसे, उसके बावजूद भी हमें वो हॉल मिल गया. हाँ, उसके बावजूद भी बुक्ड डेट कैंसिल हो गई और हमें उसी दिन somehow it happened कि वो, मतलब हम सब चाह रहे थे कि वही मिल जाए, क्योंकि वो हमारे घर से एक तो मेन सिटी सेंटर में है एंड काफी अच्छा है वो. तो हम लोग सब चाह रहे थे कि वो ही मिल जाए, एंड somehow पता नहीं कैसे, वो कहते ना कुछ हुआ, उनका फोन आया विक्की लोगों के पास कि सर वो जो डेट्स थी वो कैंसिल हो गई है, तो अब आप बुक कर सकते हैं. और ये तुरंत गए वहाँ पर, पैसे जमा करके आए, उसको बुक किया, एंड फाइनली बुक हो गया. एंड वी ऑल आर लाइक रिलीव्ड कि चलो जो चाह रहे थे वो हो गया. वैसा सुबह के 7 बजे ये इंसान, देखिए सही कहा था मेरी कॉम ने कि औरतों को नेल पॉलिश लगाने का कोई टाइम नहीं होता. ध्यान से देखिए ये धूप लेते हुए क्या कर रही है, मॉर्निंग की धूप लेते हुए क्या कर रही है ये इंसान. सो गर्ल्स, गुड मॉर्निंग. सो आज है नेक्स्ट डे और अभी बैठी, आज हम जल्दी उठ गए. मतलब मैं तो बहुत ही जल्दी उठ गई हूँ, आज 6:30 पे उठ गए थे और विक्की उठा इसलिए मैं भी उठ गई. विक्की इतना खतरनाक तरीके से कूद के उठा कि मैं भी डर के मारे कूद के उठ गई. आज मैं जल्दी उठ गई हूँ और अभी बस यहाँ सुबह की मस्त धूप ले रहे हैं. इधर पे भी, इस घर में भी धूप तो आती है, मतलब जो मॉर्निंग सन, क्योंकि ईस्ट, मैंने बताया ना ईस्ट वेस्ट है ये वाला घर भी, तो धूप बहुत अच्छी आती है. बस ये है कि बहुत कम देर के लिए आती है, मतलब थोड़ी देर में भी चली जाएगी, आधे घंटे की तो लेकिन आती है. तो आप आधा घंटा बैठ सकते हो धूप लेने के लिए. अभी मैं आज लिविंग रूम मेकओवर डालने वाली हूँ, तो उसके लिए आज मैं जल्दी भी उठ गई. मैं फटाफट से एडिटिंग करने के लिए बैठती हूँ और फिर देखते हैं क्या करते हैं. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. सो मैं यहाँ पर आ गई थी कल रात में मम्मी यहाँ पे, और कल चली भी जाऊँगी. तो हमारे यहाँ आज आई है एक कन्या, वो फैटी हुई है. इसका हो रहा है कन्या भोजन. ये इसकी ड्रेस है जो मैं उस दिन लेकर के आई थी, रेड कलर की. फ्रॉग देख के आ गई.
पुलिस के ड्रेस देख करके डर रही है। फावा पुलिस की ड्रेस निकालने की, बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ यहाँ पे हिमानी। उसको पहनना है क्या? अभी पहनना है, पहना दो। हाँ और क्या, पानी की ड्रेस, इतनी फास्टेस्ट ड्रेस पहनाई है उसको, उसने फट से चेंज भी कर ली अपनी ड्रेस। तो यही ड्रेस मैं इसकी लेकर आई थी, उसको पहना भी दिया है। और अभी आज क्या है, मेरे पापा की वैसे तो ड्रेस नहीं होती है डेली, बट वो सिर्फ ट्यूसडे को जो उनका पुलिस वालों का जो ड्रेस होता है ना प्रॉपर वाला, वो पहन करके जाते हैं। अभी डर रही है, पापा से पैर ही नहीं पड़वा रही थी, भाग रही थी पूरे मतलब घर में, जैसे ही उसको पापा सिखाए कितनी तेज दौड़ लगाई थी इसने। तो बस यही है, तो आज मैं रुकूंगी। ओके, तो अभी दिन का टाइम हो गया है और मैं मम्मी से मिलवाती हूँ आप लोगों को। तेरी मम्मी कैसा लग रहा है मम्मी अब आपको? तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों की इतनी ब्लेसिंग्स मिली हैं इसलिए मैं जल्दी रिकवर हो गई हूँ, अब बहुत अच्छा लग रहा है। काफी लोग मतलब ऐसे बोलते हैं कि आंटी काफी लीन हो गई है, तो वेट लूज हुआ है डेफिनेटली उनका, बट डॉक्टर्स ने बोला है कि 2-3 मंथ्स में जो प्रॉब्लम है, जैसे इन्फेक्शन जैसे जैसे कम होता जाएगा ऑटोमेटिकली वेट उनका नॉर्मल होता जाएगा। तो अभी पहले से ही कम हो गया था मेरा, जनवरी से कम होना स्टार्ट हुआ था ना, जनवरी से उनका वेट लूज होना स्टार्ट हो गया थोड़ा होते होते वो। हाँ, तो वो 5-6 kgs एकदम से अभी किसी के बॉडी में से हटा दोगे तो वैसा लगेगा ना। तो बस वही है, अभी हम लोग ने अभी जो नया बिग बॉस आया है वो भी देखना स्टार्ट करा है। तो यूजुअली मैं पिछले 3 सालों से बिग बॉस बहुत ऑन एंड ऑफ देखती थी, मतलब रेगुलर व्यूअर मैं पहले थी बिग बॉस की, क्योंकि अभी क्या इंसान देखेगा, घर पे चल रहा है तो देखते ही थे, है ना, कुछ टाइम पास करने के लिए। इतनी सीरीज वगैरह नहीं देखते थे तो बिग बॉस ही देख लेते थे। बट अभी लास्ट 3 ईयर से मैं ऑन एंड ऑफ थी, लेकिन इस साल का जो बिग बॉस आया है मुझे इतना मजा आया, मतलब बहुत, एक तो चिल लोग आए, मस्ती ज्यादा कर रहे हैं, दिमाग चला रहे हैं, ऐसे गंदगी नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए अच्छा लग रहा है देखने में। आप बताओ आपको कौन अच्छा लग रहा है? तो तेजस्वी। हाँ मेरे को भी, ब्रेड तो तेजस्वी है। हाँ कि सब अच्छे हैं, शमिता भी ठीक है, मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट तेजस्वी तो डेफिनेटली है नोरा। एक तो मुझे अभी तक कितने दिन हो गए वो रोई नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल बाकी सब पता नहीं अननेसेसरी बात पे रोई है वो बंदी, तो रोती वोती नहीं है, हर चीज को बहुत चिल एंड कूल तरीके से लेती है, मस्ती करती रहती है, अपना डांस करती है, फुदकती है, लड़ भी लेती है। हाँ दूसरा मुझे करण कुंद्रा बहुत पसंद आ रहा है, जिस तरीके से वो खेल रहा है डिसेंसी और अच्छे से खेल रहा है, मतलब दिमाग लगा रहा है। जय भी मुझे ठीक लग रहा है, मतलब मेरे टॉप 2 सिर्फ अभी यही है, तेजस्वी एंड करण कुंद्रा, बाकी सभी बहुत मतलब यंग है ना, तो मस्ती कर रहे हैं, मतलब मजा आ रहा है उन लोगों को देखने में। तो कल विक्की और हम लोग भी देख रहे थे ना, तो विक्की भी नहीं देखता अदरवाइज, बट विक्की को भी मजा आ रहा है, सबको मजा आ रहा है इस बार वाले का देखने का। आज मेरा चल रहा है क्रिएटर्स कैंप, अगर मैं ब्रेक ले लूंगा या ले लूंगी तो, बट वो वाली बात नहीं है जो पहले ऑफलाइन क्रिएटर कैंप होते थे, उसमें भी सब चीज ऑनलाइन होंगे तो ऑनलाइन ही हो रहा है क्रिएटर कैंप, तो वही अभी चल रहा है। और मुझे एक दो और वीडियो एडिट करने हैं, तो आज मोस्ट प्रोबेबली मैं रात में खाना वाना खाने के बाद निकलूंगी, क्योंकि कल अष्टमी है तो शायद से वहां पर कन्या भोजन करेंगे, लेट्स सी जैसा भी होता है वो मैं शूट जरूर करूंगी। एंड यस, आज का वीडियो जो है वो यहीं खत्म करते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।